नदी बचाओ यात्रा में शामिल होने आए राज्यसभा सांसद विवेक तनखा बोले, कोरोना बीजेपी रैली करके फैला रही है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा हुए नदी बचाओ सत्याग्रह में शामिल। कहा, सामाजिक कार्य है इसलिए शामिल हुआ हूँ कार्यक्रम में। कोरोना संकट के चलते राजनीतिक कार्यक्रमों में बना रखी है दूरी। पानी का जो मुद्दा उठाया है वह पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। विवेक तनखा ने मांग करते हुए कहा, कोरोना अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पीड़ितों के परिजनों को दिखाया जाए लाइव। कहा, कोरोना से निपटने में राज्य और केंद्र सरकार रही है विफल। तनखा ने कहा, संक्रमण काल को बीजेपी ने मजाक समझा। उन्होंने संक्रमण फैलने के लिए बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। कहा, भाजपा कार्यक्रम में भीड़ आने की इजाजत रहती है, लेकिन कमलनाथ के कार्यक्रम में धारा 144 लगा दी जाती है, जबकि सबके लिए रोक होनी चाहिए। कांग्रेस के पास पब्लिक है, कांग्रेस के पास जनता है, और जनता चुनाव जिताती और हराती है। लीडर तो एक माध्यम होता है। सर, आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहते हैं, अगर कोरोना काल में चुनाव होते हैं तो क्या प्रचार प्रसार में आएंगे? मैं प्रचार में आऊंगा भी, तो मैं उस प्रकार से प्रचार करूंगा जिससे लोग संक्रमित ना हो और जिससे उनके मृत्यु ना हो। थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि अगर राजनीतिक सभा होती तो आप नहीं आते, लेकिन फिर प्रचार में कैसे आएंगे? वो राजनीतिक सभाएं होंगी वर्चुअल। मैं तो वर्चुअल जो मीटिंग्स कर रहा हूँ, आपको मालूम है, मैंने और पेटीएम के जो चेयरमैन है, हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग की थी। 80,000 लोग कनेक्टेड थे हम लोग से, यूथ पे की थी कि क्रॉस कोरोना यूथ का क्या भविष्य होगा। 80,000 लोग सुन रहे थे हम। क्या आपको लगता है ग्रामीण जनता वर्चुअली कनेक्ट हो पाएगी? ग्रामीण जनता के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि अभी जो ब्रॉडबैंड है और जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है घर घर तक नहीं पहुंची है, ये मैं इस बात को मानता हूं। तो ग्रामीण जनता के लिए शायद हो सकता है कि आपको पूरे सावधानी के साथ छोटी छोटी टोलियां बनानी पड़ेंगी। और मैं आज भी कह रहा हूं, बड़ी बड़ी रैलीज मत करो, छोटी छोटी टोलियां बनाओ, पांच पांच लोग, जैसे कहते हैं चार लोग पांच लोग भेजो, जिससे, और वो भी मास्क पहन के भेजो, दूर सोशल डिस्टेंसिंग बना के भेजो, क्योंकि हम चुनाव को एक संक्रमण बढ़ाने का माध्यम नहीं बनाना चाहते, वो तो गलत होगा अगर हम ऐसा करें। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पहले सिंधिया का नाम था कांग्रेस में, बड़े नेता थे, अब यहाँ पर लगभग नेता वीन हो गई है, जो कोई बड़ा नेता यहाँ पर नहीं, तो क्या डॉक्टर गोविंद सिंह को बड़े नेता के तौर पर यहाँ चंबल क्षेत्र में ग्वालियर में स्थापित करेंगे? नेताओं की कभी कमी नहीं थी कहीं पर, और डॉक्टर गोविंद सिंह आज से नहीं, ये पहले से बड़े नेता है। और डॉक्टर गोविंद सिंह से मैं आज से परिचित नहीं हूँ, ये तो मेरे जो ससुर साहब थे उनके मित्र हैं। मैं तो आज उस याद से भी आया हूँ कि मैं अपने ससुर साहब के मित्र के एक 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 प्रोजेक्ट मिशन में आया हूँ, और ये एक अलग किस्म की व्यक्ति है, अलग सोच के व्यक्ति है, और मैं तो चाहता हूँ डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे जो लोग हैं और कांग्रेस में पैदा हो और कांग्रेस। डॉक्टर साहब ने बड़ा मुद्दा उठाया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।